नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कॉमन फन टूर्स में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडियन आइडल की न्यू सीजन 14 में आई हुई एक बहुत ही बेहतरीन कंटेस्टेंट जिनका नाम है मेनका पौडेल, इनकी फाइट यानी कि जुगलबंदी अरुणिता कांजीलाल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल का न्यू सीजन 14 स्टार्ट हो चुका है जिसमें एक बहुत ही प्यारी और बेहतरीन कंटेस्टेंट आई है जिनका नाम है मेनका पौडेल। ये वैसे तो नेत्रहीन और दिव्यांग है लेकिन आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा मिठास है। तो दोनों सिंगरों में से कौन ज़्यादा अच्छे सुर लगाता है, किसकी आवाज़ में ज़्यादा मिठास और खनक है और किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं अरुणिता कांजीलाल की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में मेनका पौडेल की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर सत्य है, क्या बात है दोस्तों। ये तो होगी अरुणिता कांजीलाल की परफॉर्मेंस, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेनका पौडेल की परफॉर्मेंस। क्या बात है मेनका पौडेल की, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही बेहतरीन सुर लगाती है मेनका पौडेल जी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की कंपेयर की कि किसके सुर ज़्यादा अच्छे लगे और किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है। तो बात करें अरुणिता कांजीलाल की, तो अरुणिता कांजीलाल इंडियन आइडल सीजन 13 की विजेता है और बहुत ही प्यारी मजहूरी सिंगर है। लेकिन अगर बात करें मेनका पौडेल की, तो मेनका पौडेल एक नेत्रहीन और एक दिव्यांग सिंगर है और दिव्यांग होने के बावजूद भी इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी बेहतरीन सुर लगाती हैं कि सुनकर बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर मेनका पौडेल की आवाज़ ज़्यादा प्यारी लगी अरुणिता कांजीलाल की अपेक्षा। लेकिन आपको कौन से सिंगर की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के जाइएगा ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए।